हेलो दोस्तों, आप सभी को हम यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। आज इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे upgovernment.nic.com कुछ भी डालेंगे जो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करेंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे, स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। स्कॉलरशिप क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप स्कॉलरशिप चेक कैसे करें आप इसमें देखेंगे। अगर आप फ्रेश वाले तो फ्रेश पर क्लिक करेंगे, अगर रिन्यूबल हैं तो आप रिन्यूबल पर क्लिक करेंगे। रिन्यूबल पर क्लिक करने के बाद हाई स्कूल वाले इस पर क्लिक करेंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए बीएससी। अगर आप कहीं और दूसरे स्टेट के तो इस पर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। या उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर दिया गया होगा इसमें आपको आवेदन का प्रकार कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के लिए आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के लिए हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चर दिया गया तो कैप्चर फिल करेंगे। आप जो कैप्चर दिया गया है 33663 कैप्चर डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आप देखेंगे अपना स्टेटस देखेंगे। आपका ये सभी प्रकार सही होगा। अगर आप पासवर्ड सेव करेंगे तो सेव करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेटस के बारे में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी बताएंगे सबको। जानकारी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जानकारी से आपको देखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे स्टेटस पर जाने के बाद आपका इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें लिखा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप। अगर ऐसा आपके में शो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरीफाई हो चुका है, ये देखिए वेरीफाई दिखाया गया है। इसमें जाके आप एक बार अपनी बैंक में जाकर ज़रूर पता करें, क्योंकि मेरा वेरीफाई हो चुका था और मेरा स्कॉलर आ चुका है अपने बैंक खाते में। 85,000 रुपये स्कॉलर आया है। बीएससी का था, थर्ड सेमेस्टर में पास किया हूँ। और आप देख सकते हैं अगर आपका वेरीफाई रिजेक्ट हुआ तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपको उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। मेरा स्कॉलर आ चुका है, गारंटी के साथ आ चुका है, 25 तारीख को आया है। और मैंने आज जाके यहाँ से चेक कराया अपने बैंक में जाके तो पता चला कि स्कॉलर आ गया। आप भी अपने जाके बैंक में पता करें और रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। ये आप अपने PFMS के माध्यम से चेक करेंगे। अगर आपको PFMS के माध्यम से चेक करना है तो हमारे हमको कमेंट कीजिए। हम कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी देंगे या आपके लिए दोबारा वीडियो बना देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। हम आपको इस पर किसी प्रकार की जानकारी लिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुंदेलखंड की आवाज़ में, आपको बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं। आप सभी लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद भाइयों।